हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभिक्षा सो मैं आपके साथ आज ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गंगूबाई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छा लगेगा तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी डर्मा हाइड्रा क्लींजर की हेल्प से जिसमें नेचुरल ओटमील होता है एंड ये सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली होता है मैं आजकल इसको एज अ फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ एंड हाईली रिकमेंडेड है आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं आपकी स्किन का कोई भी टाइप हो ये आपको सूट करेगा नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ यहाँ पर गुड वाइप्स का चारकोल लिप स्क्रब तो लिप के लिए भी आपको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है एंड मैं लिप स्क्रब एक दो बार से ट्राई कर रही हूँ बट ये मैंने नया लिया है तो मैं इसको ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये चीज़ करके दिखा दी है ताकि आप इसका लाइव डेमो भी देख लो तो लिप्स को भी थोड़ा सा यू नो केयर की ज़रूरत होती है उसके लिए अगर आप उसको स्क्रब करोगे अच्छे से तो आपकी जो लिप्स हैं उनका कलर धीरे धीरे ब्राइट हो जाएगा मेरे लिप्स क्योंकि काफ़ी डार्क हैं तो उनको ब्राइट करने के लिए आप स्क्रब वगैरह यूज़ कर सकते हो और बाकी होम रेमेडीज़ भी कर सकते हो इसके बाद मैं अपने लिप्स के लिए यहाँ पर यूज़ करूंगी अच्छा सा एनवाई बे का लिप बाम जस्ट बिकॉज कि लिप बाम बहुत जरूरी होता है स्क्रबिंग के बाद ना लिप्स बहुत ऐसे दर्द से होते हैं हल्का सा ऐसा लगता है तो आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने यूज़ किया है न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजिंग लोशन जिसमें विटामिन ई e होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ग्लोई बनाता है स्किन को स्किन को अच्छे से नरिश करता है और आपकी स्किन को एक अलग सा ही टेक्चर देता है तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है जब भी स्किन पर हल्का सा ग्लो चाहिए होता है तो मैं ये मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेती हूँ एंड कैमरा में नहीं समझ में आ रहा बट काफी अच्छा ग्लो आता है इसके बाद मैंने यूज किया यहां पर गुड वाइफ्स की पपाया क्रीम एक्चुअली क्रीम यूज़ करने का रीज़न uh, यहाँ पर ये था कि मैं स्किन केयर अच्छे से करना चाहती थी बिकॉज बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाने वाले हम बट स्किन का केयर अच्छे से करेंगे तो स्किन हमारी थोड़ी सी हेल्दी दिखेगी और अगर स्किन हेल्दी होती है तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ये मेकअप लुक करने के लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मेरा जो स्किन टोन है मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है कुछ भी नहीं मैच करता है आलिया भट्ट से बट स्टिल मैं ये लुक क्रिएट करना चाहती थी बिकॉज मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा सो so इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है काफ़ी नया कुछ ट्राई करने की कोशिश की है मैंने इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मैक की स्ट्रोप क्रीम एंड ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी बहुत ही प्यारा सा शाइन आ गया था मेरे फेस पे सो आई थॉट इस बार भी मुझे इसको यूज़ करना है जब भी आपको बहुत नेचुरल रखना हो ज़्यादा कुछ नहीं लगाना हो मुँह पे तो आप डेफिनेटली ये वाली क्रीम को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी ग्लोई और डुई लुक देती है आपको आपके फाउंडेशन को भी काफ़ी डुई दिखाती है इसके बाद मैंने वेट एंड वर्ल्ड का यहाँ पर अल्टीमेट ब्रो किट लिया है इसमें से मैंने जो वाइट वाला शेड होता है क्रीम सा उससे मैंने पहले अपनी जो आईब्रोज हैं, उनको अच्छे से वैक्स कर लिया है ऐसा वो वैक्स ही होता है वाइट वैक्स जिससे कि मेरी जो आईब्रोज है ना वो प्रॉपर शेप में आ जाएँ सारी एक डायरेक्शन में आ जाएँ तो ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है इसके बाद मैंने इसको फिल इन कर दिया है आप फोटो में देखोगे उनकी आईब्रोज बहुत डार्क हैं तो उस डार्कनेस के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही डार्क करनी पड़ी अपनी आईब्रोज़ एंड मेरी नेचुरल में बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती बट इसके लिए मैंने काफ़ी डार्क की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनकी बहुत मोटी भी है तो मुझे अपनी आईब्रोज़ को काफ़ी मोटा दिखाना पड़ा तो मैंने थोड़ा सा ओवरलाइन किया है एंड इस इसके लिए एक्चुअली लुक की जो डिमांड थी ना वो मेरे फेस से काफ़ी अलग थी तो काफ़ी कुछ नया आपको इसमें देखने को मिलेगा इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर डार्लिंग इसा बेला का कंसीलर और ये मेरी जो स्किन टोन है उससे एक शेड लाइट नहीं बोलेंगे डार्क बोल सकते हो आप फिर भी क्योंकि मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है कि मैं बहुत नेचुरल रख रही हूँ पहली बात तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आँखें जो बहुत ज़्यादा पॉप होकर आएँ बिकॉज उनका मेकअप लुक काफ़ी नेचुरल है उनका हल्का फुल्का डार्क सर्कल भी दिख रहा है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं लगाने वाले हैं तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये बहुत ही लाइट कवरेज कंसीलर लगाया है जो कि बहुत ही लाइट है मतलब लगेगा भी नहीं कि आपको मैंने कंसीलर लगाया है बस हल्का सा एक थोड़ा सा आ, स्मूथ सा दिखेगा कुछ आपको बेस तो आप देख सकते हो एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया था काफ़ी अच्छा कंसीलर है आ, बस ये है कि मेरा शेड जो है वो इसमें नहीं है इस कंसीलर में बट मुझे ये कंसीलर काफ़ी अच्छा लगा एंड येलो अंडर टोन का कं, आ, कंसीलर है ये डालेंगे बेला कि प्रोडक्ट मुझे ठीक लगते हैं अच्छे लगते हैं ऑलरेडी मैं इनका शायद एक और प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा है वो प्रोडक्ट भी ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए बिकॉज उसी का रोल सबसे ज़्यादा होता है तो मेक श्योर sure जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो वो अच्छी क्वालिटी का हो अच्छे से ब्लेंड करिए टाइम पूरा दीजिए कहीं जल्दी नहीं जाना इसके बाद मैंने एस क्यू का फाउंडेशन लिया है एंड ये आई गेस अब मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है पहले मेरा फेवरेट था पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है मुझे तो मैंने पहले इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लिया उसके बाद मैंने हल्का सा स्प्रेड कर लिया ताकि जो ज़्यादा प्रोडक्ट है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर में ना आए अगर आप सीधे डॉट पर ना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना शुरू करते हो तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है तो इसीलिए मैंने उसको हल्का सा स्प्रेड कर लिया उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड करना शुरू किया है आप देख सकते तो बड़ी मेहनत लगी इसको ब्लेंड करने में मुझे लग रहा है मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इसको मिक्स uh, करने में गया तो पता नहीं आई डोंट नो अभी शायद मैं इसको दोबारा जल्दी यूज़ नहीं करने वाली हूँ बिकॉज बहुत अच्छा मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जब भी आपको लगे कि आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हो आप थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगा लो और उसके बाद दोबारा से इसको ब्लेंड कर लो इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पर बहुत ही अपनी स्किन से एक शेड डार्कर शेड उठाया है और पूरी क्रीज पर इसको प्लेस कर दिया है पूरी आईलेट पर प्लेस कर दिया है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमेशा एक ब्राउन सा आई शेडो उनका दिखता है तो मैंने इसीलिए हल्का सा लगाया है उसके बाद मैंने आईलाइनर यूज़ किया है फेसिस कैनेडा का और इसको मैंने बहुत ही पतला जो मेरी लाइन होती है आई लैशेज़ की मैंने उसको एकदम चिपकाते हुए एक पतला सा लाइनर ड्रॉ किया है पतला सा ही लाइनर ड्रॉ करना है उनकी आँखें बड़ी लग रही थी बिकॉज उनका काजल मोटा होता था बट उनका आई लाइनर बहुत ही ज़्यादा पतला सा एकदम सा दिख रहा था इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर एस क्यू का काजल जो कि वाकई में बहुत अच्छा काजल है तो एस क्यू के काजल से मैंने पहले अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से काजल को लगा लिया उसके बाद मैं अपनी अपर लैश लाइन पे भी काजल को प्लेस कर दूँगी जिससे कि मेरी आंखें थोड़ी ज़्यादा सुंदर लगें बहुत ओवर ना लगे बहुत ड्रामेटिक सा ना लगे बट वो एग्जैक्टली exactly जो लुक हम चाहते हैं वो अचीव कर सकें तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है एंड इसके बाद मैंने नीचे भी लाइनर लगा लिया बिकॉज जो थिकनेस उनके काजल की थी वो थिकनेस के लिए हमको लाइनर लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो काजल है वो भी लॉक हो जाए और ऐसा समझ ना हो और बहे नहीं तो बहुत सारी चीज़ों से अच्छा होता है तो आप नीचे पतला सा लाइनर लगाओगे तो आपका बहुत सुंदर सा वही लुक आएगा नेक्स्ट मैंने यहाँ पर शुगर का ये पैलेट यूज़ किया है इसमें से मैंने ब्लश उठाया है ब्लश को मैंने बहुत हल्का सा लगाया है चीक बोन से शुरू करके मैं फोरहेड की तरफ ले गई हूँ बिकॉज़ सिर्फ चीक बोन पर लगाती तो बहुत ऐसा चमक के आता हाईलाइट होता तो इसीलिए मैं इसको अपने फोरहेड से मिलाते हुए मैंने लगा लिया है हल्का फुल्का कॉन्टोरिंग कर ली है कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी मुझे बिकॉज मेरा फेस ना पतला है और आलिया भट्ट का जो फेस है ना वो ऐसा गोल बना हुआ है तो अपने फेस को मैं गोल तो कर नहीं सकती थी बट इसलिए मैंने हल्का फुल्का सा बस कर लिया कॉन्टोरिंग इसके बाद मैंने लाइनर से ही एक मार्क बना दिया है जो कि उनके फेस पे था एंड ये मार्क मुझे एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आ रहा था तो हल्का सा जो जीडिया लगा मैंने वही मार्क बना दिया मैंने जिस पिक्चर से लुक क्रिएट किया है वो एक लौती पिक्चर मुझे मिली इस ड्रेस में उनकी और फोटो मुझे मिली नहीं मैंने काफ़ी ढूंढा तो मैंने यही कर लिया बस इसके बाद मैंने एस का लिप क्रेन लिया है उनके लिप्स बहुत ही लाइट लग रहे हैं एक्चुअली उनका कलर फेयर है तो वो लाइट लिप्स उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं तो मैंने भी ये लाइट कलर यूज़ किया है बट इसके बाद मैंने इसको हल्का सा डार्क कर लिया था इस शेड बिकॉज मुझे मेरे ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा था तो आप कई बार होता है कि अगर आप जिसका लुक क्रिएट करो तो कुछ चीज़ें ना उनके ऊपर अच्छी लग रही बट तो हमारे ऊपर नहीं अच्छी लगती तो उस चीज़ में कई बार वो लुक अच्छा तो निकलता है बट तो हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते इसके बाद मैंने यहाँ पर प्पल का मस्कारा यूज़ किया है अपनी लैशेस को थोड़ा सा ज़्यादा यू you नो know, इन्हेंस करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे एक्चुअली क्या हुआ कि गेटअप से मैं ये लुक क्रिएट करना चाहती थी तो मैंने अपना काफ़ी ध्यान दिया है कि मैं जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पहनूँ एक्सेसरीज जो है वो सिमिलर पहनूं इसके बाद मैंने वेड एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ किया है हल्का फुल्का हाईलाइट कर लिया है आप देख सकते हो बहुत ही हल्का हल्का हाइलाइटर यूज़ किया है हमको बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना था और हमको इतना मेकअप करना था कि वो लुक अचीव हो जाए इसके बाद मैंने शिल्पा की यहाँ पर बिंदी यूज़ की है जो कि बड़ी है बट मुझे इससे बड़ी चाहिए थी मैंने बहुत देर ढूंढी बट मुझे मिली नहीं तो मुझे यही साइज़ मिला तो मैंने ये साइज़ लगा लिया बट ठीक थी ये बिंदी भी बट उनकी बिंदी एग्ज़ बड़ी थी तो मेरी बिंदी थोड़ी सी छोटी निकली बट अच्छा लगा मुझे ये लुक क्रिएट करके अगर आपको ये लुक पसंद आया तो मैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करूँगी डेफिनेटली एंड ये बस मैं उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने किया है ना तो मैं उनकी तरह दिखती हूँ ना तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ मैं उनकी तरह दिख भी नहीं सकती हूँ सबका फेस अलग होता है बस ऐसे अच्छा लगा तो मैंने सोचा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ इसके बाद मैंने बालों को हल्का सा क्रिम्प कर लिया है ये मैंने शर्ट पहनी हुई है Uh, क्योंकि उनका जो ब्लाउज था ना वो ऐसा पूरा बंद गले का था ऐसा मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने शर्ट पहनी है और मैंने सेम वैसे ही चोटी करने की बहुत कोशिश की है बिकॉज़ इसमें इनके कान नहीं दिख रहे हैं तो ऐसा हमें चोटी करनी थी कि हमारे भी कान नहीं दिखें सिर्फ जो ईयर पहना है वही दिखें इसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन लगाया है बालों में और अपनी चोटी जो है उसको थोड़ा लंबा किया है बिकॉज़ मेरे बाल इतने लंबे हैं नहीं तो मैंने ये एक्सटेंशन यूज़ किया है ये सारी चीज़ें जितनी सबको वीडियो में दिख रही हैं ये मैंने कहाँ से ली है इसके ऊपर एक वीडियो अलग से आएगा आप ये वीडियो देख लो फिर आप वो वाला वीडियो देख लेना तो यहाँ पर मैंने अपनी छोटी अच्छी सी कर ली लंबी सी ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं एक्सटेंशन कैसे यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे पास कई एक्सटेंशन है मैं उन्हें कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सो ये मैं थोड़ी बहुत आलिया भट्ट की तरह रेडी हो गई हूँ आलिया भट्ट ने ही गंगूबाई जी की तरह थोड़ा बहुत मैंने अपना लुक क्रिएट किया है अभी ईयर पहनना बाकी है उनके इयर थोड़े से ऐसे उभरे उभरे से लग रहे थे थोड़ा दिख रहे थे कानों में तो मैं भी अपने उभरे उभरे ईयर पहनूंगी बट जो मेरे बाल थे ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहे थे तो मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया उनके एक्चुअली काफ़ी सेट लग रहे थे तो मेरे प्रॉपर सेट नहीं हुए आई गेस मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था इनको सेट करने में तो शायद ये और प्रॉपर आते है आप देख सकते हो एंड सीरियसली हम तो बहुत कम पार्ट आपको दिखाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं एक लुक के पीछे एंड कितनी मतलब ये मैं आई गेस दो घंटे का रिकॉर्डिंग होगा तो मैं इसको किसी तरह दस बारह मिनट में कन्वर्ट करती हूँ इसके बाद मैंने नोज पिन पहन ली है और नोज़ पिन भी मैंने ऐसे राउंड वाली बहुत मुश्किल से ढूंढी मेरे पास जितनी थी उनमें सब में कुछ ना कुछ वर्क था एंड ईयर मैंने ऐसे फ्लावर वाली पहन ली थोड़ा सा मेटेलिक सा लग रहा था और ये जो उभरा हुआ था वो डिज़ाइन मुझे मिल गया था तो मैंने ये वाली इयरिंग्स पहन ली हैं एंड या अभी मैं साड़ी पहन पहनूँगी दिस इज़ माई फाइनल लुक ये साड़ी मैंने मीशो से ही ली है सारे वीडियो आपके पास आने वाली हैं एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर sure आप इस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस लुक को अप्रिशिएट करें एंड मैं बहुत सारे नए लुक करने वाली हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट थैंक यू